आज हमारे बीच में यहाँ पे 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह पधार रहे हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पे जो रैली का बड़ा आयोजन होने वाला है उस हेतु उसकी क्या तैयारियाँ है, क्या तैयारियाँ नहीं है, उस हेतु हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश की शिमला जिले के अंदर चौपाल विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से लगातार 3 बार से विधायक रहे श्रीमान जी बलबीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। श्री बलबीर सिंह जी यहाँ पे लगातार पिछले 20 दिन से यहीं पे रह के यहीं प्रवास कर रहे हैं और एक एक गांव एक एक बूथ पे जाके आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेतु कार्य योजना तैयार की है। आपका यहाँ पे सायला मतलब जालौर विधानसभा क्षेत्र की सायला पंचायत समिति में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आपका स्वागत है। अब आगे की कड़ी में आपको श्री बलबीर सिंह जी साहब जो है वो आपको आज इस प्रेस वार्ता में जालौर विधानसभा के हमारे संयोजक दीप जी सह संयोजक जी और इस मंडल के हमारे प्रेस के प्रभारी और प्रेस के मेरे सभी बंधु आज प्रेस से इसलिए रूबरू हो रहे हैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो जालौर विधानसभा की सायला मंडल में आ रहे हैं 22 तारीख को 12 बजे के करीब करीब उनका आगमन है। आपके माध्यम से जालौर विधानसभा की समस्त जनता से मैं विनती करता हूं कि आप सभी इस जनसभा के लिए निमंत्रित है और ज्यादा से ज्यादा इस रैली के लिए आप आए। देश के यशस्वी होम मिनिस्टर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सायला आ रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी है जालौर विधानसभा से हमारे आदरणीय पूजनीय जोगेश्वर जी बहुत ही सीनियर हमारे नेता है और यहाँ की जनता से मेरी विनती है, जालौर विधानसभा की जनता से विनती है कि आप सभी भारी बहुमत से इनको विधानसभा भेजें। इस बारे ये सिर्फ विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, ये बहुत ही सीनियर नेता है। इस बारे विधानसभा के सदस्य के साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी ये बनने हैं। इसके लिए जालौर विधानसभा की समस्त जनता को एडवांस में मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके विकास में आने वाले समय में बहुत तेजी से इस क्षेत्र का विकास बढ़ना है। हर चुनाव क्षेत्र में ऐसा मौका बहुत सालों के बाद आता है जो जालौर की विधानसभा को मिला है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी जाति धर्म पार्टी को छोड़कर जालौर के विकास के लिए श्री जोगेश्वर जी को भारी बहुमत से जताएं और आने वाले 5 साल में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 5 साल में आपके चुनाव क्षेत्र में विकास की गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आने वाले समय में जिसका इतिहास रहेगा। पिछले दिनों से आप जालौर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या माहौल लग रहा है आपको, गांव में आपने भी दौरा किया है? मुझे बड़ी खुशी है जो हमारे प्रत्याशी है बहुत ही जुझारू मेहनती ईमानदार, मैं उनके घर गया, मैंने उनके घर की जब स्थिति देखी, हिंदुस्तान के अंदर कोई पंचायत में सरपंच या प्रधान भी बनता है 5 साल में वो भी परिवर्तन कर देता है, ये 4 बारी के विधायक है,
घर की स्थिति जो आज से 90 में थी आज वही स्थिति में है। इतने ईमानदार कर्मठ नेता को जलोर की जनता से मेरी विनती है कि ऐसे ईमानदार नेता ही आगे मंत्रिमंडल में आने चाहिए, विधानसभा में आने चाहिए, फिर ही क्षेत्र का विकास होता है। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में है, और आपके माध्यम से जो मित्र बहुत सारी बातें फैला रहे हैं उन सभी मित्रों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा जलोर विधानसभा के प्रत्याशी राजस्थान में जो टॉप 10 में जीतने वाले होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें राजस्थान के रिजल्ट में जलोर के प्रत्याशी का रिजल्ट भी टॉप 10 में मार्जिन से होगा।